नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आज मॉर्निंग शिफ्ट में एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इजी था या फिर ज़्यादा हार्ड था, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया था एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत सारे कह रहे हैं कि बाहर बैठ के आप कहते हो कि 80, 85, 90 स्कोर, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। हम कुछ हरियाणा के 10-15 क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें लगता है कि काफ़ी इजी है, लेकिन पूरा एग्ज़ाम आप बैठ के करोगे तो आपको लगेगा कि एक मॉडरेट एग्ज़ाम है, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो जिन बच्चों के 68, 70, 65, तो वो ज़रूर जो है कैटेगरी के अनुसार आप देख लें, मतलब 70 तक, जो जनरल तक मान के चलें कि फिजिकल उनका आराम से आएगा, तो अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट 10 मिनट में इसको निपटा देते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि आगे भी जितने एग्ज़ाम होंगे उनमें रिपीट होते हैं। जैसे कांस्टेबल के अभी देखे होंगे, बहुत सारे जो हैं फीमेल कांस्टेबल में आए थे, वही क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड पूछ लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा था? स्टडी ऑफ जो एल्गीज हम बात करें, जो संबंध शैवालों का अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? उसको फाइकोलॉजी बोला जाता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? फाइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन जेजे थॉम्सन। तो फोटोन एच युकावा, ये सी जो है आपका, ये इसके अंदर जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल जो 315 है, 315 है, उसके अंदर जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा ए, राइट हो जाएगा। इनमें से कौन जो है हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? राज्यसभा की हमारे 5 सीटें हैं, लोकसभा की हमारे 10 सीटें हैं। तो कुमारी शैलजा, दुष्यंत गौतम, रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स। तो ये तीन तो प्रेजेंट में है, कुमारी शैलजा प्रेजेंट में नहीं है, तो इन्होंने नहीं है पूछा है, तो कुमारी शैलजा नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं, इंग्लैंड केवल चुनावों के दिन में ही स्वतंत्र होता है, ये कथन किसका था? रूसों का लोक प्लेटो अरस्तु। तो ये रूसों का कथन था, ये किसका था? ए इसमें आपका राइट होगा। फिर बात करते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? रिकॉल को, प्लेबिसाइट को, रेफरेंडम को, या इनिशिएटिव को? तो इनिशिएटिव को। तो रेफरेंडम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपका सी हो जाएगा। फिर बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखिए, आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, वो वीडियो भी आज मैंने शेयर किया, उसमें वो वीडियो आपने देखा होगा, तो अच्छे से आप करके आए होंगे। तो क्या है, हमारे 90 में से 17 सीट आरक्षित हैं। ठीक है, कितनी है? 17। तो आरक्षित जाति के लिए नहीं है, पंचकूला, दादरी, इन दोनों में 2-2 सीट हैं, फरीदाबाद, तो इनमें जो है से सभी। ठीक है, डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? नीलोखेड़ी, सिरसा, भिवानी, लाडवा। तो ये लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी जो है अनाज मंडी है। फिर है, गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए? तो गेहूं की जो फसल है उसको बोने के लिए हम बात करें 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस, बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, हरियाणा कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो ये इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंट बाय द हरियाणा कृषि एंड ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, पशु आश्रय योजना, किसानों के बच्चों को शिक्षा के लिए ऋण, कृषि भूमि खरीद, संयुक्त कटाई। तो यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, हो सकता है जो है संयुक्त कटाई है इसका, एक बार आप चेक कर लेना इसको, मेरे हिसाब से डी ही दिया जाएगा। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र, देखिए एक ही NH जो 9 है इसके ऊपर असव अनुसंधान केंद्र भी है और बफेलो रिसर्च सेंटर भी है। बफेलो वाला तो 85 में बना था, अब इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पूछ रखी है, तो राइट आंसर होगा आपका 7 जनवरी 1986। ठीक है, हरियाणा में बसंतौर है, वैसे ही ऐसे लिख रखा है इन्होंने, किस ज़िले में है? तो आप सब जानते हैं कि आथी पुनर्स्थान केंद्र है वो, और यमुनानगर केंद्र पड़ता है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं खालिस्तान, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा आदि अंत में पहुंचा सकते हैं? तो होम एंड। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज, जैसे हम बात करें जो डॉक्यूमेंट होते हैं,
न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो है डेस्कटॉप जो होता है पब्लिशिंग, इसका यूज़ होता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो है सी राइट होगा। जेनेरिक शब्द खालिस्तान हार्डवेयर के लिए टुकड़े से संबंधित है, तो डिवाइस हो जाएगा ये, ठीक है, सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, द बैक स्पेस की जो है कर्सर है कि खालिस्तान अक्षरों को मिटाती है, तो बाएं जो अक्षर होते हैं उनको मिटाया जाता है, ठीक है, सी इसमें राइट होगा, बाएं। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं जो एक या एक से अधिक एकीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये सर्वर क्या कहलाते हैं, तो सर्वर नेटवर्क विशेष नेट, ये क्या कहलाता है, हब कहलाता है, ठीक है, बी राइट होगा। खालिस्तान बस केवल CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते होती है, तो इसके अंदर राइट होगा आपका एड्रेस, ठीक है, सी राइट हो जाएगा, सी, ठीक है, सी राइट होगा। ये आ गया आपके रीजनिंग, ठीक है, ये देख लेना आप, इजी हैं ये। जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुंडेस्टैग बोलते हैं, ठीक है, ए राइट होगा आपका इसमें। अगला है, ब्रिटिश काल में दौरान हरियाणा में पंजाब का भाग बना, पंजाब पहले आप सब जानते हैं यूपी का हिस्सा था लखनऊ साइड का, और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो है इसको मिलाया गया था, 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य 18वें संविधान संशोधन के रूप में हरियाणा अलग स्टेट बना था। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई खालिस्तान जिसमें सूचना होती है, तो इसको आप देख लेना, ये क्या होगा, वेब पेज होना चाहिए, ठीक है, एक बार देख लेना, कंप्यूटर का है ये, वेब पेज ही होता है। और अगला है, रीजनिंग का है, देख लेना, कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना, तो मार्शल आर्ट और लोक कला आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, बी हो गया आपका। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू, ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल करवाया था आपको, तो राइट आंसर इसमें आपका 1860 होना चाहिए। और भारत का कोई नागरिक युगांडा, ठीक है, युगांडा देश है, में हत्या कर देता है यदि भारत में किसी स्थान पर जहाँ पर पाया जाए, क्या उसे जो है ये फाउंड एनीवेयर, मतलब एक्यूज्ड, उसको सजा वगैरह हत्या के लिए जो है दोषी सिद्ध किया जाएगा, तो हाँ ज़रूर किया जाएगा उसको, ठीक है। फिर है, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370, तो ये आपको ध्यान ही होगा, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच अपनाती है, पीड़ित से संबंधित कानून, आरोपी से संबंधित कानून, तो यहां पर आपके ए और बी दोनों, तो मतलब इसमें सी राइट हो जाएगा। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री सोली सोराब जी, ए आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा, तो वर्तमान में तो आप सब जानते हैं अजीत डोभाल हैं, लेकिन शिवशंकर मेनन रहे हैं, जयंत दीक्षित भी रहे हैं, TN सेशन नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ऑपरेशन मुस्कान जो गुमशुदा बच्चों महिलाओं को खोजने वाला जो चलाया था 2015 के अंदर चलाया था, ये आप सब जानते ही हैं। फिर बात करते हैं, वेल्थोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है भाई कथक कली के लिए, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, दोमट, नेली, केथल, इनमें से नहीं, वैसे तो वो अलग ही टाइप की मिट्टी होती है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर जो है वो राइट आंसर आपको दोमट देंगे, ठीक है, मेरे अनुसार यही है। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था, तो 1014 में किया था भाई, ठीक है। अंधकार अनुकूलन समय खालिस्तानी कमी वाले होते हैं, तो यहाँ पर इन ह्यूमन बींग डार्क, तो यहाँ पर ये हो जाएगा विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए कर लेना भाई, ठीक। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क हब, तो ये IT पार्क हब स्थापित कब किया था, 2008 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ ये, ठीक है, 15 जून 2005 आएगा भाई, ठीक है।
फिर है ये मैथ देख लेना आप, ठीक है, रीजनिंग भी कर लेना, इजी इजी है सारे। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, तो ये मनाया गया था, कौन सा मनाया गया था, 72वां, 72 आ जाएगा, ठीक है। इनमें से किस क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो दोनों को सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा गठन के समय तो 7 जिले थे, ये तो इजी था। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास, सी इसमें आपका राइट होगा। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण हरियाणा के 2 अभी शामिल किए थे ना, बिंडावास और कलेसर वाला किया था ना। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का जो नामकरण है किसके द्वारा, तो ये करवाया गया था किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिले हैं, तो ये हम्पी के अंदर। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ये वैसे याद रखना आपको, तो कौन से स्थान पे उनको रखा गया था, उनको जो है रंगून में रखा गया था, और रंगून अभी म्यांमार है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, तो ये कहाँ पड़ता है, अडायर में पड़ता है, ठीक है, डी राइट हो जाएगा इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी, तो ये सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अंडेमान निकोबार द्वीप समय पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पे, तो यहाँ पर इस जेल में उनको कैद भी रखा गया था, वीर सावरकर को, ठीक है, जो हिंदुत्व लिखी है जिन्होंने। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित किया गया, तो राय बहादुर सर छोटूराम, गुडी सांपला किलोई जिनका छोटूराम नगर किया गया वहाँ पे इनकी प्रतिमा बनाएगी जो राम सुतार ने बनाई थी। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति, सरोवर ऑफ हरियाणा एज ए मिनिएचर सी, ठीक है, एक लघु महासागर कहा जाता है, तो ये कहा था अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल। मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा में कहाँ पर हराया था, त्रावड़ी, नीलोखड़ी, तरोरी, तित्रम, तो वैसे तो तरोरी और त्रावड़ी एक ही बात है, त्रावड़ी करनाल में, तो यहाँ पर देखो अब क्या देंगे, वो त्रावड़ी राइट होना चाहिए। तो 1191 में तो कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान, और 1192 में मोहम्मद गौरी जीता था, कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास ले जाके हत्या कर दी थी लाकर। इनमें से कौन सा हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, महावीर प्रसाद, आचार्य देवव्रत, जय सुखला लाती परमानंद, तो तीनों ही रहे हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के हैं और हमारे यहाँ से बिलोंग जरूर करते हैं हरियाणा से, लेकिन राज्यपाल हमारे नहीं रहे। निम्नलिखित में राज्य के संबंध में कौन सा गलत है, बाजे भगत हरियाणा के थे, ठीक है, जनरल वीके सिंह बापोड़ा भिवाणी, गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के हैं, अरविंद केजरीवाल शिवानी के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर गुलाबचंद कटारिया राजस्थान से हैं। ये हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10, ये ऑनर किलिंग पे बनी हुई है, आपको पता है NH-9 हो गया, अब NH-10, तो इसमें जो एक्टर विराट कोहली की घरवाली अनुष्का शर्मा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बई के पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका, तो उनका नाम था SR बॉम्बई, ठीक है, तो इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक किसने, तो ये जीता प्रिया मलिक। बैडमिंटन PV सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिद्धू, ए राइट होगा। खेलो होबे शब्द, तो खेला होबे हुआ था ना जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तो यहाँ पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है, एक सेकंड भाई, यहाँ तक समझ आ गया आपको, पश्चिम बंगाल। आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में राजीव, अनुपम अभिनेत्री N रेणुधर रेड्डी, तो इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। फिर बात कर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी, खदरी से क्या पराये है, तो खदरी तो गांव है इनका, तो हम बात करते हैं ये खादर क्षेत्र से बिलोंग करता है गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया अपना, एक सेकंड भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई, आकाशवाणी वाला हो गया, ये हो गया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष तो भानीराम मंगला पहले थे, अभी श्रवण कुमार गर्ग है, ए राइट होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, तो ये 18वें नंबर के राज्यपाल हैं, इससे पहले कौन थे राज्यपाल, सत्यदेव नारायण आर्य, ये बंडारू दत्तात्रेय हैदराबाद से हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री जिनका संबंध हरियाणा से है, तो वो मंत्री जो हैं, मंत्री का नाम आपको बताना है कौन है, एक सेकेंड भाई, तो स्वामी यतीश्वर नंद हैं, सी राइट होगा।
जो जिनका संबंध हरियाणा से, हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है, तो टोटल 10 सांसद हैं। और जो रोहतक से सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनके पिता का देहांत हुआ था अभी, ठीक है, सीएम बैठने भी आए थे उनके घर, तो सी हो जाएगा। हरियाणा के गृहमंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? उच्च शिक्षित, ये पहले गृहमंत्री रह चुके हैं, अविवाहित हैं, पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, तो भाई ये तो वैसे ही क्वेश्चन बना दिया, ये अविवाहित हैं, शादीशुदा तो नहीं है, ये बात तो ठीक है। इनमें से कौन भारतीय गृहमंत्री नहीं रहे? जगमोहन, उमाशंकर दीक्षित, चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो चरण सिंह जरूर रहा, इंदिरा गांधी भी रही है, जयशंकर, जगमोहन रही ना, भारत तो जगमोहन नहीं रहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय का मुख्यालय तो नॉर्थ ब्लॉक होगा। ऐसी कौन सी नेता हैं जो पहले गृहमंत्री रही, बाद में देश की प्रधानमंत्री भी बनी हैं? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी होगा। फिर बात करते हैं इनमें से कौन हरियाणा पुलिस अधिकारी जो है, ऑफिसर नॉट पुलिस, अच्छा हरियाणा से बिलोंग नहीं करता, मोहम्मद साइन, हामिद अख्तर, मोहम्मद अकील, ऑफिशिंग, तो मोहम्मद साइन होगा, आईएएस अधिकारी हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा एग्रेसिस हिरकस होगा। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से मगर पुलिस जिला नहीं है? तो दो हांसी और मानेसर, तो इसमें हांसी ऑप्शन दे रखा आपको। हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST का अर्थ क्या है? फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष तो अभी बनाए गए थे नवराज संधू, सी राइट होगा। हरियाणा के भूतपूर्व DGP जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई, लक्ष्मण दास, मनमोहन सिंह, तो SS बाजवा, ए राइट होगा। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? तो सेवा सुरक्षा सहयोग, बी राइट होगा। देखो बिल्कुल उलझा रखा इसमें, तो सेवा सुरक्षा सहयोग होगा। एब हिंदी परमेश्वर में कर्मधारय समास है, कई सार्थक खंडों में उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं भाई यौगिक। मुहावरे का अर्थ क्या है? सुंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति उच्च पद मिलना, मीरा को आधा लीटर दूध, तो क्या हो गया भाई, परिणामवाचक हो गया। निम्नलिखित कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? हाथ, टैक्स, किरण, कर्म, तो कर्म होना चाहिए। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, तो विश्व प्लस मित्र, तो मेरे हिसाब से इसमें सी राइट होगा। इंग्लिश और देख लेते हैं थोड़ी सी, जो मुझे ध्यान हो। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी वाज मैरिड, खाली सन अर्ली एज, मैरिड, इसमें 8 आना चाहिए, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडवर्ब, हिज हॉर्स रन, खालिस्तान, अपोलो ग्रुप, इसमें ए आएगा, स्लोवेस्ट, और ये एरर है, ठीक है, देख लेना इसको एरर को भाई। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल द ब्लैंक्स, फर्दर, सम, नन ऑफ दीज, डू यू वांट सम हेल्प, सी होगा। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, खालिस्तान, द लिटल होगा इसमें, ठीक है। चलिए बाकी तो मैथ है, सॉल्व कर लेना आप। ध्वनि तरंग वेग सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ठोस होगा या द्रव, देख लेना एक बार, इनमें से एक होगा, गैस और इनमें से तो नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, कौन सा नहीं है बताना। कंकाल की सबसे लंबी, इसका तो फीमर होगा, तो ये देख लेना भाई, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, थैंक यू, जय हिंद।